मेरे साथ यहाँ पे एक इंडियन भाई मिले हैं, इनका यहाँ पे रेस्टोरेंट है अपना, और इन्होंने हमारी काफी हेल्प करी है रूम दिखाने के लिए। कुलजीत क्या नाम है? कमल जी। तो काफी फ्रेंडली है और मुझे काफी अच्छा लगा, इन्होंने हमें काफी सारी बातें बताई हैं इस के बारे में। मोहिनी एक टाउन है, मोहिनी एक छोटा टाउन है। हाँ, ये टाउन है और ये फर्स्ट इंटरनेशनल टूरिज्म की डेस्टिनेशन है वियतनाम में। जो पहला इंटरनेशनल टूरिस्ट रिजॉर्ट या कुछ भी हुआ था इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए, वो मोहिनी से शुरू हुआ। पहला इंटरनेशनल रिजॉर्ट भी पूरे वियतनाम में यहीं पे बना था मोहिनी में, इसलिए मोहिनी इंटरनेशनल टूरिज्म में बड़ी पॉपुलर है, फर्स्ट डेस्टिनेशन। यहाँ गोवा जैसी लाइफ, गोवा जैसा लग रहा है जैसे गोवा हुआ है? गोवा तो भाई मैं कभी गया नहीं। अच्छा, बाकी गोवा वाले जो गए हैं वो कहते हैं गोवा से बेटर है, बेटर है, लोग बेटर हैं, कहते हैं कि गोवा में। मैं तो गया नहीं, बाकी मैंने सुना है कि थोड़े इंडियंस को लेके थोड़ी प्रॉब्लम, पसंद नहीं करते इंडियंस को गोवा में, है ना, कुछ भी वो है आइलैंड गोवा में, वहाँ साफ साफ है कि इंडियंस नहीं आ सकते। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सब कुछ ओपन है, साफ सफाई है, लोग हैं। इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी है रूम से लेके बाइक चलाने में, और इनके यहाँ का मैंने फूड भी टेस्ट किया है, बहुत अच्छा फूड है। मैं इनका एड्रेस आपके यूट्यूब चैनल में डाल दूँगा और मैं रिकमेंड करता हूँ आप आइएगा, और बहुत अच्छा लगता है जब कहीं बाहर अपना कोई इंडियन भाई मिलता है। जी बिल्कुल ये तो है ना, एक सोने पे सुहागा वाला चीज़ है, क्योंकि अब से 3 साल पहले वियतनाम में इतना पॉपुलर नहीं था इंडियंस के लिए, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपने काफी सारी चीजें बताई यहाँ के बारे में, तो ऐसा ही लग रहा है जैसे हम बाहर नहीं है, इंडिया में ही है। नहीं भाई साहब, आपको कोई भी चीज की जरूरत हो पूछना हो आपको। नहीं, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये देखिए जो मेरे साथ इंडियन भाई थे उन्होंने मुझे ये वाली प्रॉपर्टी अभी बुक कराई है, और काफी सुंदर जगह है ये, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल है यहाँ पे। और ये हमें मात्र इन्होंने इंडियन रुपीज में ये 900 रुपये का दिलवा दिया है। अभी मैं आपको रूम भी अंदर से दिखा दूँगा। ये देखिए यहाँ पे ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स यहाँ पे ग्राउंड है, बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे पीछे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। आइए मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये नारियल के पेड़ भी हैं, यहाँ नारियल लग रहे हैं। अच्छा, जिस बंदे की प्रॉपर्टी है उसने कोई यहाँ पे कोई ऐड वगैरह नहीं किया हुआ या ना कोई बुकिंग करी है, ये इन्होंने अपने शौक के लिए बनाया हुआ है। ये सामने जो आप देख रहे थे अभी गाड़ी के लिए उनका रेजिडेंस है। और ये देखिए मैं आपको अब अपना रूम दिखा देता हूँ। ये देखिए रूम की एंट्रेंस है, काफी सुंदर व्यू है। ये देखिए ये हमने एंट्री कर ली है, ये फ्रिज है इधर, ये साइड में ये किचन दी है इन्होंने, ये रूम के अंदर का है। ये देखिए कितना स्पेस है इस रूम में, ये नीट एंड क्लीन, तकिए हैं, चादर और ये अलमीरा है, चेयर्स देखिए कितनी सुंदर है, पिलो रखे हैं, और ये देखिए वॉशरूम कितना स्पेशियस है, कितना स्पेस है। ये देखिए देख सकते हैं आप, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, तो ग्रीनरी है, और आप कह सकते हैं होम स्टे टाइप का है, आप इसको होटल नहीं कह सकते, ये होम स्टे टाइप का है। फ्रेंड्स अगर आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उसकी जैसे कमर्शियल जगह हैं, जैसे वियतनाम में हनोई या फिर ये साइगोन है, उससे अलग हट के आप जाइए, तो अलग हट के जाएंगे आपको तो उनका कल्चर और उनका हेरिटेज जानने का आपको मौका मिलेगा। और ये देखिए सबसे अलग जगह है जहां हमने रूम लिया है, काफ़ी अच्छी वाइब्स हैं। ये देखिए इन्होंने कितनी अच्छी प्लांटिंग्स वगैरह कर रखी है, पीछे पूरा ग्रीन फील्ड है, और इसकी एंट्रेंस भी बहुत अच्छी है। ये देखिए वो सामने मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं पीछे, वो सामने मेन रोड है, और ये इनका अकोमोडेशन है, रेजिडेंस है, जो यहाँ के ओनर हैं, जो हमारे इंडियन भाई हैं उन्होंने ये बताया है कि काफ़ी रिच बंदा है,
तो ऐसे किसी को देते भी नहीं है, उनकी रेफरेंस से ही मिला है हमें और बने रहिए मेरे साथ। काफ़ी अच्छा अच्छी वाइफ सारी है यहाँ पे। अभी मैं आपको और जगह दिखाता हूँ इस सिटी की। सिटी का नाम है मोइन, ओनर है इस प्रॉपर्टी के, ये बितामी है और इन्होंने हमारा काफ़ी अच्छा ख्याल रखा जो इनका रिजॉर्ट था। ये देखिए इनके हमें होम स्टे की तरह ही लगा। कम ऑन फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आ गए हैं। फेरी स्ट्रीम नाम की जगह है और हमारे कल से 1.5 किलोमीटर के डिफेंस पर है। ये देखिए कितना हमें काम फ्रेंड्स, हम आ गए हैं एक नई जगह, ये मोहिनी में है, फेरी स्ट्रीम है इस जगह का नाम। देखिए कितना अच्छा व्यू है। देखिए कितना अच्छा एम्बियंस है यहाँ पे और बहुत ही सुंदर जगह है। देखिए यहाँ पे शायद कोई टूर आया हुआ है। ये देखिए ग्लासेस में आइस ट्री रखी हुई है, काफी अच्छी जगह है ये। ये कोई टूर आया हुआ है। देखिए बहुत ब्यूटीफुल जगह है, सामने बीच नजर आ रहा है। फिर इस स्ट्रीम इस जगह का नाम है। तो देखिए यहाँ पे बाहर निकल के मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पार्टी की तैयारी हो रही है शाम को। ये देखिए ये कुछ पार्टी की तैयारी हो रही है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है बीच का। थोड़ा सा अभी इवनिंग हो रही है तो इवनिंग में आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा व्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मोहिनी में एक प्रॉपर्टी और देखी है। इसका हॉस्टल का नाम है डाइटन हॉस्टल और ये जो महोदय हैं ये हमें रूम दिखाने जा रहे हैं। वॉशरूम, ये देखिए वॉशरूम अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। ये LED वार्डरोब है और अच्छा है। ये देखिए अलमारी है, इसकी इन्होंने हमें व्यू देख लीजिए, इसकी हमें इन्होंने प्राइस बताया है 3600 हो गया। मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ आपको, लगभग 1100।